so if you are a CA inter student and have given your CA inter examinations now this video is very important and relevant for you guys exam होने के बाद generally हम लोग काफी ज़्यादा सोचते हैं कि यार हमें थोड़ा सा time अभी utilize कर लेना चाहिए घूम के आ जाना चाहिए मस्ती कर लेना चाहिए but मैं ये बताऊँ आपको काफी सारी जो big four firms होती हैं top firms होती हैं right they are gonna be doing a pre result hiring or their hiring will start as soon as the result is gonna be out ट अप्रॉक्सिमेटली हंड्रेड स्टूडेंट अगर इंटरव्यू के लिए अपेयर करेंगे तो मोटा मोटी उसमें से एक या दो ही सिलेक्ट होगा एंड आई वॉन्ट यू टू बी इन दैट वन और टू सो इफ यू वॉन्ट टू बी इन दैट वन ऑर टू दिस वीडियो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू

राइट यू कैन गो टू अ फेस फेस टू बैच और यू कैन गो फॉर ऑनलाइन बैच मैं रिकमेंड करूंगा इफ पॉसिबल गाइज आप फेस टू फेस बैच के लिए आइए फेस टू फेस बैच हमारे वी स्मार्ट अकेडमी होने वाले हैं पुणे पुणे में प्रेस्टीज पॉइंट पे तो वहां पे आप आके फेस टू फेस बैच अटेंड कर सकते हो जहां पे हम आपको पूरा प्रैक्टिकली चीजों को सिखाने वाले हैं अगर आप फेस टू फेस अटेंड नहीं कर पा रहे और और इफ इफ इन डिफरेंट सिटी नॉट एबल टू जॉइन इट अ डाउटो जॉइन आर ऑनलाइन बैच इज देर नाउ हाउ वि स्टार्ट आर जर्नी फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको पूरा एक आर्टिकलशिप का जर्नी बताएंगे कि कैसे आर्टिकलशिप का जर्नी होगा हाउ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग गोना बी देयर प्लस विद दैट वी आर गेल्पिंग यू टू प्रिपेर योर रेज्यूमे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इस प्रिपेर योर रिज्यूम आफ्टर यूर रिपेयर स्मॉल टीम बिकॉज एवरी वन टू परफॉर्म इन टू अर टीम एंड देन स्टार्ट विदिंगड इन प्रोफाइल क्रिएशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका ब्रांड विजिबिलिटी एंड योर पर्सनल ब्रांडिंग वेन यू आर गो ना बी अपलाइंग फॉर एन आर्टिकल्चर बिकॉज काफी ज्यादा आपको एक चीज लगी दैट इज अरे वॉट नीड इज अ वन राइट रेफरेंस टू गट इन टू वन राइट कंपनी तो आर कम्युनिटी ऑफ अ ट्वेल्व थाउजेंड स्टूडेंट्स विल हेल्प युग अज ऑल्सो Which is there. Then we'll teach you how to do a pre-screening call. एक आप अच्छा email कैसे लिखा जाता है, एक अच्छे से pre-screening call कैसे answer कराया जाता है, और HR questions के कैसे answer दिए जाते हैं. After that is done, we'll help you decide the domain in which domain you should start and pursue your articleship. जितनी भी अच्छी form है और जितनी बड़ी form है, all those forms have a department. And mark my words, जिस domain में आप अपना articleship start करोगे, that is gonna be defining your career and success journey many a times. ट अगर आपकी फॉर्म अच्छी नहीं रहेगी तो आपका जो ग्रोथ रहेगा और पैकेज रहेगा ट्रस्ट मी इज गोना बी इंपैक्टिंग योर जर्नी आउट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू डिसाइड द डू इन वेरी वाइस दैट इज वाई वी आर गोना भीजन वील ऑल्सो इन्वाइट द इंडस्ट्री लीडर्स दिसना बी समनर्स टॉप कंपनी कि भाई ये चीजें ध्यान में रखनी वैन यू गो बी गोइंग एंड प्रिपेयरिंग फॉर योर आर्टिकलशिप जर्नी पैरेलली फ्यू ऑफ द फॉर्म हैव आल्सो अ ग्रुप डिस्कशन एंड विल आल्सो हेल्प यू आउट टू प्रिपेयर फॉर योर इंटरव्यू टेक्निकल इंटरव्यूज तो फॉर एग्जाम्पल यू आर अपेरिंग फॉर स्टार्ट ऑडिट इंटरव्यू दे माइट आस्क यू की विच इज योर फेवरेट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देन आफ्टर दट डन दे डू डो एलॉट ऑफ प्रोबिंग क्वेश्चन तो विल ऑल्सो हेल्प यू प्रिपेयर फॉर दैट के कैसे आपको आंसर करना है

आपका जो नेटवर्किंग बनेगा आपका जो रेफरेंसेस मिलेंगे राइट right? और प्लस मेरे जो कम्युनिटी के स्टूडेंट्स है विच इज अप्रोक्सीमेटली मोर देन टवेल्व थाउजेंड स्टूडेंट्स उनसे आप कभी भी कनेक्ट हो सकते हो उनसे आप रेफरेंसेस मांग सकते हो तो आपको इतने बड़े कम्युनिटी का हिस्सा बनने का मौका मिल रहा है